हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरलाइंस कंपनी के बारे में या फिर हमारे फ्लाइट किचन के बारे में। दोनों एक ही हैं। यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार पॉइंट्स की फ्लाइट किचन क्या होते हैं या एयरलाइंस कंपनी क्या होती है। दूसरा, जो फ्लाइट्स के अंदर खाना सर्व होता है वो सिर्फ इनके द्वारा ही क्यों किया जाता है, क्या किसी होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। तीसरा, अगर मैं स्टूडेंट हूं और मैं अपने कैरियर में ग्रो करना चाहता हूं तो क्या यहां पे मुझे ट्रेनिंग या फिर जॉब करनी चाहिए। बट मैं बताऊं, मैंने 3 साल तक वहां पे अपनी जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग वहीं पे की थी। और चौथा, यहां पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे कि वहां पे टोटल ऑपरेशन कैसा होता है होटल के मुकाबले। बट अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, एक शेफ है, तो हमारी एक ऐप है आईचेफ गुरुकुल, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगी। आपको उसको जाके डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल पे, और वहां पे आपको मिलेंगी ढेर सारा स्टडी मटेरियल। काफी कुछ चीजें वहां पे फ्री में भी उपलब्ध है। जो भी वैकेंसीज हमारे पास होती हैं, ठीक है, और आपको जॉब की भी आवश्यकता होती है, तो वहां पे भी हम लोग वो सारी चीजें डालते रहते हैं। तो प्लीज जाके उसे डाउनलोड कीजिएगा और अपने जॉब के चांसेस और अपने स्किल के चांसेस को और ज्यादा इनहेंस कीजिएगा। पहला क्वेश्चन था कि एयरलाइंस कंपनी क्या होती है। ऐसी कंपनीज जो कि सिर्फ एयरलाइंस के लिए खाना बनाती हैं, उनको हम लोग फ्लाइट किचन या एयरलाइंस कंपनी बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, एक एयरलाइंस कंपनी के बाद कई सारी फ्लाइट्स होती हैं, जैसे कि मैं बोलूं इंडियन एयरलाइंस, लुफ्तांसा, ठीक है, जेट एयरवेज, ठीक है, या बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। तो उनका खाना, अब एक कंपनी के पास या एक एयरलाइंस के पास बहुत सारी फ्लाइट होती है। मैं बोलता हूँ कि किसी के पास 10 फ्लाइट है, किसी के पास 20 फ्लाइट है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो अपने जो फ्लाइट्स के, जो पर्टिकुलर फ्लाइट्स के खाने को वो अलग अलग कंपनीज को देती है। हो सकता है कि एक कंपनी को हो या फिर अलग अलग कंपनीज को भी हो। उदाहरण के लिए मैं बोलूंगा, जैसे मैंने दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ताज एयर कैटरिंग है, ठीक है, दूसरा हमारा अम्बेसडर है, तीसरा हमारा ओबेरॉय है, ठीक है, इसके अलावा एक दो और भी कंपनी है। अब वहां पे अगर मान लीजिए इंडियन एयरलाइंस है, तो इंडियन एयरलाइंस का जो खाना है, हो सकता है कि वो एक ही कंपनी से सारा आ रहा हो या फिर अलग अलग कंपनी से आ रहा हो। तो डिपेंड करता है, ठीक है जी, जो पर्टिकुलर एयरलाइंस है वो किसको अपने टेंडर दे रही है, किससे वो खाना लेना चाहती है। अब ये खाना ब्रेकफास्ट भी होता है, लंच भी होता है, डिनर भी होता है, स्नैक्स भी होता है, ठीक है, बहुत सारे मील यहाँ पे होते हैं। और इवन जैसे अगर हम लोग होटल में जाते हैं, हमारे स्पेशल मील होते हैं, यहाँ पे भी उसी प्रकार के सारे मील होते हैं, चाहे वो जेन मील हो, ठीक है, ऑनियन गार्लिक हो, ठीक है, या फिर अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो लिक्विड डाइट है, ठीक है, किसी को एलर्जेंस है, सेम जितने भी फूड सेफ्टी के रूल रेगुलेशन होते हैं, सब कुछ यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो कटलरी क्रॉकरी भी होती है, अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है, ठीक है, उसके लिए जो आपकी कटलरी क्रॉकरी की वो अलग होगी, अगर नॉर्मल है आपको फॉइल में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे की सारी चीजें होती है, और इतनी फैसिलिटी सिर्फ जो होटल, मैं बोलूँ ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग होता है। जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि भाई होटल और जो रेस्टोरेंट खाना क्यों नहीं सप्लाई कर सकते। देखिए, होटल और रेस्टोरेंट खाना तो बना सकते हैं, ठीक है, बट वो लोग सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई करने के लिए भी सेम फिर से ट्रांसपोर्ट की बात आ जाती है, और ये पॉसिबल नहीं है कि जो होटल या रेस्टोरेंट वो आसपास हो। और यहाँ पे जो भी एयरलाइंस कंपनी होती है, उनके पास उनके स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, जो कि कंप्लीटली सिर्फ खाना डिलीवर करने के लिए बनाए जाते हैं। इनको हाई लोडर बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एयरलाइंस के साथ एक बड़ी सी गाड़ी लग जाती है, ठीक है ना, वही हाई लोडर होते हैं। और वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, क्योंकि वहां पे फूड को सप्लाई किया जा रहा है, क्रॉस कंटेमिनेशन का ध्यान रखा जा रहा है, स्पेशल ट्रॉलीज होती हैं, ठीक है। अगर एक होटल या रेस्टोरेंट वो सब चीजें करने जाएगा, ठीक है, तो वो आई थिंक उतना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो एयरलाइंस कंपनीज होती हैं, वो ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकती हैं। यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट चिलर। ब्लास्ट चिलर मैंने शिप में देखा था, शिप से पहले मैंने एयरलाइंस कंपनी में देखा था। इसके अलावा मैंने कई बड़े होटल्स में काम कर लिया है, बट कहीं भी मुझे वो नजर नहीं आया। ब्लास्ट चिलर में होता क्या है, आपका कोई भी बहुत ज्यादा गर्म खाना, अगर मेरे पास कोई खोलता हुआ खाना हो, तो उस ब्लास्ट चिलर के अंदर हम लोग डाल देते हैं, तो खाना बिल्कुल ही कुछ मिनटों के अंदर ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो टेक्निक वहां पे ब्लास्ट चिलिंग के यूज कर रहे होते हैं। इस टेक्निक से क्या होता है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं वो एक तरीके से सो जाते हैं, और वो खाना कंप्लीटली सेफ हो जाता है कस्टमर के लिए। फिर उस ठंडे खाने को फॉइल्स में या कटलरी क्रॉकरी के साथ अच्छा सा लगा लोगों के पैक कर करके, ठीक है, एयरलाइंस कंपनीज को दे दिया जाता है, ठीक है, और फिर उसको वहां पे जाके उस खाने को दोबारा से फ्लाइट के अंदर गर्म किया जाता है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज होटल और रेस्टोरेंट नहीं कर सकते हैं, तभी सिर्फ जो एयरलाइंस कंपनी है, वही जो एयरलाइंस की जो फ्लाइट किचन होते हैं उनको खाना, या जो एयरलाइंस कंपनीज को खाना, पर्टिकुलर फ्लाइट्स को खाना सर्व करती हैं।
तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं या कैरियर की बात करूं, अगर आप होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है और आपको यहां पे मौका मिलता है काम करने का, आपको करना चाहिए, क्योंकि यहां पे आपको फूड सेफ्टी से रिलेटेड ढेरों चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, इवन जब मैंने शिप के लिए अप्लाई किया था तो मुझे इसका बेनिफिट मिला था, क्योंकि शिप के अंदर जो सिमिलर काम होता है वो सारा का सारा काम फ्लाइट किचन के अंदर भी हो रहा होता है। होटल्स के अंदर हम लोग फूड सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे वो सारी की सारी चीजें होती हैं। तो कैरियर के मामले में अगर आप शिप में बाद में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे काम करना, जॉब करना या ट्रेनिंग करना क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा ऑपरेशंस की बात। जैसे हमारे होटल्स के अंदर हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, इंडियन है, तंदूर है, ठीक है, तो यहाँ पे और ज्यादा मैं बोलूंगा कि और विस्तार से वो चीजें होती है। यहाँ पे आपको फ्रूट कटिंग आपको अलग मिलेगा, वेजिटेबल कटिंग आपको अलग मिलेगा, एग रूम आपको अलग मिलेगा, बेकरी पेस्ट्री रूम अलग मिलेगा, ठीक है, जो पैकेजिंग के लिए एक डिश आउट एरिया होता है वो आपको अलग मिलेगा, यूटेंसिल्स धोने के लिए अलग मिलेगा। तो यहाँ पे और ज्यादा सेक्शंस होते हैं होटल के मुकाबले, और ये भी बहुत बड़ी फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है ना। एक दिन में लोग यहाँ पे 50,000 मील, 60,000 मील, उससे भी ज्यादा मील सर्व कर रहे होते हैं। एक बड़ा सा आप स्क्रीन लगा दी जाती है, जो भी फ्लाइट्स होती हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं, उनका लोड नीचे लिख दिया जाता है कि इकोनॉमी क्लास में इतना खाना देना है, फर्स्ट क्लास में इतना खाना देना है, बिजनेस क्लास में इतना खाना देना है, और हर एक फ्लाइट के लिए वहाँ पे जो एक शू शेफ होता है, एक CDP होता है, और कौमी लेवल के बंदे वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, जिस टाइम हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो हम लोग एक दिन में कम से कम आपके 6,000-7,000 अंडे तोड़ते थे, तो जिसकी ड्यूटी अंडे तोड़ने में लगती थी वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अंडे ही तोड़ते रहता था। वो एक अलग चीज थी, अब चीजें कई सारी नई चीज सिस्टम्स आ गए हैं, ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनी है वो भी उन चीजों को अडॉप्ट कर रही है। तो यही सब कुछ था हमारी एयरलाइंस कैटरिंग के बारे में। होपफुली आपको अब फ्लाइट किचन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।